विकास के नाम पे वोट दी थी मोदी जी को, माल कौन दे रहा है? मोदी दे रहा है माल, जैन तैसे हार गया, मशीन में गड़बड़ कर रखी है रोजगार। हमारा मिलता है एक रफा भी वोट सही दी थी, जो हमारे पकाल में लगा रहा मोदी। हमारे बहन बेटियों की जो शादी के लिए पैसा रख रखा था हमने, वो खर्च कर रहे हैं। यहाँ लाके ये युवा सड़क पे फिर रहे, कहाँ जा गए हम, कहाँ जा गए? वे तो हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करनी भाजपा को, तो हमारा ही गोला कट्टा लग रहा। नहीं, हमारी जमीन खुशल लग रही है, हम भूखे मर लग रहे, तुम विरोध कर रहे हो। पाकिस्तान ससुराल है मेरी, मनता रहा तो कंगना को तो अपने नहीं पता कि क्या जात है उसकी। घंटा दे महादेव का, तू बैलेट पेपर से जो है चुनाव करवा दो और मैं गारंटी लेता हूँ अगर जो है मोदी जीत जा। मानना तो इस्तीफा भी दे दिया उन चार में से। 1,62,000 करोड़ भारत पे कर्जा है, मोदी बता पाट दे। किसान के घर से ही रोटी जाती है मोदी के लिए, अगर मीडिया पे जांच बैठ जाए कितना पैसा निकलेगा। 500 करोड़ रुपए तक के मालिक हो गया एक पत्रकार, उनके तो अपने वोट पूरे नहीं हो रहे, वे दे देंगे पैसे। आज वोट के डिब्बे से राजा पैदा होता है। नारंगी, चंदा, अडानी और अंबानी और नवाब देश के क्या, मोदी देशद्रोही है। किसान आंदोलन के 50 दिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है, कमेटी बना दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे कार्जू ने सवाल उठाए हैं, वार काउंसिल के अध्यक्ष दवे ने सवाल उठाए हैं कि आखिर एक समिति का मतलब क्या है। मेरे साथ किसान हैं, मैं इनसे समझूंगा कि बीजेपी को इन्होंने क्यों वोट दिया था, विकास के नाम पर या हिंदू मुसलमान के नाम पर। और ये लोग कह रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह के पोते को वोट दिया था, हार कैसे गया। की नाम है भाई? प्रदीप कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? मेरठ के जी, रामचूर। तो जाट हो? हाँ जी। तो बीजेपी को तो वोट दिए थे आप लोग? हाँ जी, बीजेपी को वोट दी थी जी। तो आप मोदी से कहला नफरत कर रहे हो, मोदी जी जो कर दिए सो खुश रहो? विकास के नाम पे वोट दी थी मोदी जी को। विकास के नाम पर दिए थे कि मुसलमानों को टाइट करने के नाम पर वोट? नहीं, विकास के नाम पे वोट दी थी जी। क्या विकास चाहते थे? विकास चाहते थे जी, हमारी नौकरी लगे और हमारी जो खेती है उसमें वो वृद्धि करे। कर तो दिया, माला माल हो जाओगे, घर बैठो। घर बैठने का काम कर दिया, 3 कानून लगा दिए जी, काले कानून कौन मोदी ने लगाए। इससे क्या, इससे तो फायदा होगा। फायदा कैसे हो जाएगा जी, नुकसान कैसे होगा? नुकसान ऐसे होगा जी, न तो हमारी आय बढ़ रहे, कहते हैं इनको 2022 में हम आय बढ़ा देंगे। तो पैसा हम तो सुने आप लोग को पैसा दिया जा रहा है, इसलिए आप लोग यहाँ आए। कितना पैसा मिला है? पैसा कैसे मिल गया हमें जी, पैसे कौन देता है? हमारे तो चाइना से पैसा आ रहा है, पाकिस्तान से। किसे दे दिया पैसा? कितना पैसा मिला यहाँ आने के लिए? कोई पैसा नहीं देता जी। ईमानदारी से बताइए। ईमानदारी से बता रहे हैं? भारत माता की कसम, भारत माता की कसम, 1 रुपया नहीं मिला है। 1 रुपया कौन देता है हमें? तो 50 दिन से भोजन कैसे चल रहा है? भोजन चल रहा है, आते हैं घर से लेके आते हैं। घर परिवार कैसे चल रहा है? घर परिवार हमारी माता है, बहन है, हमारे छोटे भाई है, वे है वहाँ पे। झूठ मत बोलो, पैसा आ रहा है आप लोगों को बाहर से? अरे झूठ नहीं बोलते हम, झूठ नहीं बोलते हम। माल तो आ रहा है, माल कौन दे रहा है? मोदी दे रहा है माल, मोदी ने माल नहीं दिया हमें। चाइना से आ रहा है पैसा? चाइना का कौन, चाइना में हमारा कौन रहता है? पाकिस्तान से आ रहा है। पाकिस्तान में हम जानते नहीं किसी को। सही सही बताइए, 50 दिन आज हो गया, आज तक कितना पैसा मिला है? हमें तो कोई पैसा, रोज का कितना मिलता है? आप कितना देते हो हमें? आप हमें कोई पैसा नहीं देते। कंगना रनावत ने कहा 100 रुपया रोज मिलता है आप लोगों को। कौन? कंगना को जानते हो? हीरोइन है, टीवी की हीरोइन है भाई। हम कंगना रनौत को नहीं जानते हम। हेमा मालिनी को? हेमा मालिनी को जानते हैं। उसने कहा कि तो आप लोग किसान ही नहीं हो। वो किसान है, वो किसान नहीं है, वो एक स्टार है, फिल्मी स्टार है। वो उसने कहा कि आप लोग का आंदोलन गलत है। वो जो है बीजेपी की है, वो तो गलत कहेगी। तो बीजेपी को तो तुम ही लोगों ने चुना है भाई। विकास के लिए चुना है हमने। कि मुसलमान को मारने के लिए चुना था? नहीं, मुसलमान को मारने के लिए नहीं। हम किसान आप पीछे हुए, पीछे हुए, ताऊ से बात करें। मुझे अच्छे लोगों से बात करनी, ईमानदार लोगों से। ताऊ, किसको वोट दिए थे? लोग दल को। तो कैसे हार गया जैन? जैन तैसे हार गया, मशीन में गड़बड़ कर रखी थी। किसने कहा मशीन में गड़बड़ कर? ये तो आप ही आ रही निखार कर जी। आप लोग मंदिर बनाने के लिए वोट दिए थे, मोदी जी ने मंदिर बना दिया, खुश रहो। मंदिर कहाँ बनाया अभी लोग? मंदिर बन गया अयोध्या में। अरे मंदिर की मारी थोड़ा दिया था, कुछ विकास की मारी दिया था, कुछ ये कहता था। जयंत चौधरी को और जीत गई बीजेपी। तेरा बोला बीजेपी तो लू। अच्छा बताओ, रोज रोज कितना पैसा मिलता है यहाँ बैठने का, धरना में आने का कितना पैसा मिलता है रोज? नाज नहीं होता हमारे, नाज भी तो हमारे, वो नाज कर ये काम हम। कितना पैसा मिलता है? कौन कितना पैसा मिलता है यहाँ बैठने का? पैसा किसे मिले? किसी ने दे रखा है? किसी को भी नहीं दे रखा। अपनी मर्जी से आए हो? अपनी मर्जी का आ रही। झूठ बोल रहे हो? झूठ क्यों बोल रहे हैं हम ही। ताऊ ताऊ कितना पैसा मिलता है रोज का? हमारा मिलता है एक रफा भी। पैसा मिलता है आपको? नहीं मिलता। पाकिस्तान से आ रहा है? तू लेता होगा, हमने लिया आज लोग।
पैसे मिलते हैं आप लोगों को पाकिस्तान से और चीन से? मंगाता होगा तू लेता होगा, हमने ना लिया आज लोग। आपको कांग्रेस ने बैठा रखा है ना यहाँ? किन्ने? कांग्रेस ने। हम अपनी मर्जी ता रे, हम बैठा रखे बीजेपी ने। अच्छा हम बैठा रखे बीजेपी ने, कौले कानून लगा रखे उन कौले कानून की मारी। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो बात मान कह नहीं लेते हो? जी मान तो लेते, जब वो गलत है मान कैसे लेंगे हम? ताऊ से बात कराओ, ताऊ कहाँ गए? ताऊ सही सही बताना, पैसा कहाँ कितना रोज मिलता है? कितना कितना यहाँ जो आए हो धरना पर मोदी के खिलाफ, कितना पैसा रोज मिलता है? कौन रे? चीन से आ रहा है पैसा, पाकिस्तान से आ रहा है? मुझे कान में बता दो कितना मिलता है रोज यहाँ पे चीन? अरे कितना माल मिल रहा है रोज? कितना पैसा मिल रहा है ताऊ यहाँ? एक दवा पैसा भी देता कोई? अपनी मर्जी से आयो? अपनी मर्जी से आ रहे। कोई तो लेके आया होगा? क्यों को ट्रैक्टर नहीं मारे खड़े है? ट्रैक्टर नहीं खड़े? आप लोग से बाद में बात करेंगे, इधर आइए पहले आप बताइए ताऊ कितना पैसा मिलता है रोज का? नहीं हमें कोई पैसा नहीं मिलता, न हम किसी का दे न हम किसी को जानते। कांग्रेस वाले ने बुलाया है? नहीं। क्यों आए? अपनी मर्जी से, काले कानून वापिस दे दो, एमएससी पे जमा पहना दो। वोट किसको दिए थे? वोट तो ऐसे ही जी जी जो हमारे पे काले कानून लगा रहे हैं मोदी को। मोदी जी को दिए थे? तो वोट दिए थे ना मंदिर बनाने के लिए, तो मंदिर बन गया ना? नहीं मंदिर बनाएगा, गरीबों को सता रहा, किसान का पेमेंट भी नहीं हो रहा गन्ने का। कितना पैसा मिलता है रोज यहाँ आने का? कितना भी नहीं, अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से जाएंगे। ताऊ झूठ ना बोलो। नहीं अपनी मर्जी से आए। झूठ बोल कर ले, पाकिस्तान से आ रहा है माल? नहीं नहीं कोई झूठ बिल्कुल। चाइना माल आ रहा है? चीनी माल आ रहा है? चाइना को जानते भी नहीं, चाइना कहाँ है? हमारा क्या मतलब चाइना से? नहीं मिल रहा माल? नहीं नहीं नहीं। आप कहाँ से आए? चाइना तो पैसा आ रहा था। मैं यूपी मेरठ। तो आप भी अपनी मर्जी से आए हो? अपनी मर्जी से आए हैं। लोग तो कह रहे हैं आप लोग चाइना का माल खा रहे हो। हम चाइना नहीं खा रहे, जो हमने अपने बहन के लिए, लड़की के लिए हमारे बुजुर्ग ने पैसे कर रखे हुए खा रहे हम यहाँ, जो उन्होंने जोड़ जोड़ के कर रखे है ना 10,000-15,000 ये कर रखे, वे हम वो खर्चा कर रहे हो? वे खर्चा कर रहे हैं जो शादी के लिए रखा था उसमें से ऊपर के लिए जो। हाँ और क्या करे, किसान मरेगा तो मरेगा, सब डालू ही मरेगा। हमारी बहन बेटियों की जो शादी के लिए पैसा रख रखा था हमने, लड़के के लिए शादी के लिए पैसा रख रखा था, वो खर्च कर रहे हैं यहाँ लाके। वोट किसको दिए? वोट दी थी भाजपा को। तो भाजपा को वोट दिए थे मंदिर बनाने के लिए ना? मंदिर बनाने के लिए नहीं, मंदिर तो पूरे देश में है, मंदिर हर जगह मंदिर है, हर गांव में मंदिर है। तो 370 हटा तो दिए मोदी जी, खुश रहो। 370 हटा दिया हम उसका सब हम राष्ट्रवादी सरकार, राष्ट्रभक्ति वाला बात है ना राष्ट्र। हम सरकार का सम्मान करते है, उसने राम मंदिर बना दिया ठीक है वे अपनी बात पे, पर जो उन्होंने कहा था युवाओं को नौकरी मिलेगी, ये युवाओं सड़क पे फिर रहे कहाँ जा गए, हम कहाँ जा गए? मुसलमान को तो टाइट कर रखा है ना, इसलिए तो वोट दिए थे। मुसलमान भी तो हमारे भाई है, मुसलमान क्या अलग हो गए कहीं, वे भी तो हमारे भाई है, हमारे वे तो भाई है। बात करेंगे, रुक जाइए। वे तो हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करनी भाजपा को। तो आप किसको वोट दिए? मैं बीजेपी हूँ। काहे दिए थे? नू दिया था कि देश का भला हो जाएगा, यूँ हमारा ही गोला कट्टा लग रहा। 370 हट गया ना? तो 370 तो हटका, मैं क्या होगा, हमारी जमीन खुशा लग रही है। कश्मीर में जमीन खरीद लो, यही यही नहीं रहने की, वहाँ खरीद कर क्या करेंगे, वहाँ तो गन्ना भी नहीं होता, वहाँ का सेब उगावेंगे हम। राष्ट्र, आप मोदी का विरोध राष्ट्र का विरोध है, आप लोग राष्ट्रद्रोही हो। नहीं हमारी जमीन खुशा लग रही है, हम भूखे मर लग रहे हैं, तुम विरोध कर रहे हो। कितना पैसा मिलता है यहाँ खड़ा रहने का? एक रुपया भी नहीं मिलता। कौन दे रहा? कांग्रेस दे रही है। कौन दे रहा, किसे दे रहा? कांग्रेस। नहीं पाकिस्तान से आ रहा है। हाँ पाकिस्तान सुसराड है मेरी मनता रहा। चीन से आ रहा है? चीन? ऐ सीरियस, चीन से आ रहा है माल? चीन से? हाँ चीन ने आ रहा, चीन में मेरा एक बार रिश्ता टूट लिया होगा एकदम पक्का, एकदम माल नहीं मिल रहा है कहीं से। माल ना तो जमीन है हमारा, मेहनत करे अपनी खेती में कमावे। कंगना करेगी 100 रुपया रोज मिलता है। तो कंगना को तो अपने ही नहीं पता कि क्या जात है उसकी, क्या है कंगना, ये ढाल की तो हमारा तट की झाड़ू लगाना है। हेमा मालिनी ने कहा कि आप लोग किसान नहीं। हेमा मालिनी को क्या पता? अरे वही आपके यूपी से सांसद है हेमा मालिनी, मथुरा से। आधी जनता है उन थोड़ी। माल मिल रहा है कि नहीं? माल अपना घर तला रे, जमीन है कुमारे। हट हट हट, मैं पढ़ा लिखे लोगों से बात नहीं करूंगा, और के किसानों से बात करूंगा ना, ये सब गलत है। ताऊ किसान नहीं है क्या? कितना पैसा रोज का मिल रहा है मेरे कान में बता दो। हम अपने घर से राशन ला रहे हैं, आप लोगों को भी खुला रहे हैं, जनता को खुला रहे हैं, आप खा रहे हैं,
हम किसी से नहीं लेते हैं। हम किसान लोग हैं, हमारे घर से ही आ रहा है। हम कोई यहाँ दलाली नहीं कर रहे हैं। कहीं से पैसा मिल रहा है? यह कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है, अपने घर से पैसा कर रहे हैं। वोट दिए थे बीजेपी? बीजेपी को वोट दिया, इसीलिए दिया था। क्यों दिया था? क्यों दिया था? ये दिया था कि ये कहता कि दूनी आय करूंगा। हैं हमारी ना आय हुई ना हमारा खेत का ना भुगतान। किसान लग रहे हैं, इनका तो ट्रैक सूट भी नहीं है। हमारा भुगतान भी नहीं करने का हो रहा, ना करने का रेट बढ़ा, ना हमारा कुछ बढ़ा। हम रुको ना भाई, बता रहा हम बहुत परेशान है। पैसे दे रखे, हमें रखा पैसे दे के, क्या भेज रखा मोदी ने? पैसे दे के भेज रखा है यहाँ लोग, किसानों को आपस में भड़काओ, यहाँ किसानों को भड़का रहे तुम यहाँ पास में। और क्या काम, हमारी आवाज पूछने की जगह हमारी आवाज दबा रहे। इधर आओ ताऊ, भाग क्यों रहे हो आप? कहाँ से? अरे रुको ना, इतना बेचैन मत हो यार। तुम्हारे नेता भी बात करते हैं, हम सभी ले चलते हैं तुम्हारे यहाँ। तुम पहले किसानों से बात करने दो। आप कहाँ से आए? क्यों, हम किसान नहीं है क्या? आप कहाँ से आए? मेरठ से। आप भी किसान है? हाँ, और क्या? कितना पैसा मिलता है आने का? यहाँ आने का घंटा दे महादेव का तू पैसे देते हैं। हम तो और उल्टे कर दें पैदा। ये देख डील, ये वैसी ना बनती है। सब कह रहा है कि पाकिस्तान से पैसा आ रहा है। हाँ, तू देखे गया होगा ना पाकिस्तान। दिखाई कैमरा पर, दिखाई पाकिस्तान से। देखो ये ठेठ, हम किसान के बच्चे हैं, हम किसान हैं। तो पैसा मिल रहा है आने का? यहाँ पैसा कहाँ का? हम लोग अपनी जान की कुर्बानी। भाई साहब बहुत, आप किसान है? हाँ, हम किसान है। वोट किसको दिए थे? वोट जो है हमने राष्ट्रीय लोकदल को दिया था। तो हार कैसे गया? नहीं नहीं, हार कौन कैसे गया? ईवीएम में जो है गड़बड़ी कर रखी है। मतलब मोदी जीत गए तो ईवीएम में गड़बड़ी है? बिल्कुल गड़बड़ी है। आप लोग मोदी जी के खिलाफ कहे थे? बैलेट पेपर पर जो है चुनाव करवा दो। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, बैलेट पेपर से जो है चुनाव करवा दो, और मैं गारंटी लेता हूँ अगर जो है मोदी जीत जा। पैसा कितना मिल रहा है रोज का यहाँ आप लोगों ने? पैसा हमें मिल रहा, हम यहाँ खर्चा कर रहे हैं आप लोगों के लिए। हमारे जो पुलिस प्रशासन को हम खाना खिला रहे हैं, हमें पैसा मिल रहा है, हम अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं। टीवी अखबार वाले के पास जानकारी है कि पाकिस्तान से माल आ रहा है। किसने बोला है? कौन सा अखबार ने बोला है? टीवी अखबार वाला। किसने? टीवी अखबार वाला बोल रहा है। ये कौन सा पत्र अखबार आ गया, आप बताओ ना। कल सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा देकर कहा है कि आप लोगों में खालिस्तानी घुसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कब दिया ये? तो जो है किसने मानने तो इस्तीफा भी दे दिया उन चार में से। अच्छा, जो समिति बनी है सो। हाँ, अरे समिति पर तो, अरे समिति पर तो बात नहीं पूछता तू। समिति पर बाद में बात करेंगे, पहले माल मिल रहा है कि नहीं, कहाँ से पैसा आ रहा है? माल आ रहा है घर से आ रहा है, पाकिस्तान से नहीं आ रहा। क्यों तू गया मेरे साथ पाकिस्तान? लोग नहीं, पाकिस्तान का खुद ही खाने को ना है, पैसा पाकिस्तान पह देगा। हम किसान है, पाकिस्तान में क्या हमारे रिश्तेदार बैठे जो पैसा भेज रहे हैं? पाकिस्तान में तो कांग्रेस दे रही है। कांग्रेस क्यों देती है? मार दे रख, जेब से खर्च कर। मोदी भेज रहा क्या यहाँ पैसा? मोदी तो आप लोग को माला माल कर देगा। घंटा भेज रहा देगा। अब तक क्यों नहीं करे माला माल? मोदी जी का कौन सा काम आपको खराब लग रहा है? मोदी जी का ये काम खराब है? और सब काम ठीक था ना? और काम ठीक, और समर्थक थे हम मोदी के, अब तक इससे पहले तक समर्थक थे। क्यों समर्थक? लेकिन किसानों के लिए ऐसे मुसलमानों को टाइट करने के पक्ष में है कि नहीं? हम वो राजनीति नहीं चाहते हम। नोटबंदी ठीक थी कि नहीं? नोटबंदी ठीक हुई, चलो हम मान गए, लेकिन हम तो इस मुद्दे को लेकर हैं। ये भाई मोदी, जब मोदी जी सारा काम ठीक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हाँ सुनो तो मेरी बात, 60% किसान है मोदी जी। जब सारा काम ठीक को नाराज करके कहाँ जाएंगे? सुनो तो आप, मोदी जी जब सारा काम ठीक काम गलत क्यों कर रहे हैं? मोदी जी काम ठीक कर रहे हैं, सारा काम ये भी काम ठीक है। ये काम गलत क्यों किया ये बताओ। अच्छा, रेल बेच दिया वो ठीक है कि नहीं? रेल बेच दिया वो ठीक है कि नहीं? रेल कौन सी बेच दी? मोदी जी ने रेल बेच दी? नहीं पता आपको? अच्छा, एयरपोर्ट बेचा ठीक है? मुझे नहीं पता वो ठीक क्या गलत क्या। ये काम गलत क्यों किया? किसानों के हित में क्यों कर रहे? आप मोदी जी कह रहे हैं कि सब माला माल हो जाएंगे। आप मुझे एक बात बताओ, जब किसान अपने अपने हित में नहीं मानते फैसला, तो मोदी जी जबरदस्ती? किसान आपसे ज्यादा पढ़े लिखे है ना मोदी जी? अच्छा किसान, चलो ठीक है, हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हम कहते हैं हमें खिचड़ी पसंद है, तो हमें जबरदस्ती खीर हलवा क्यों खिलाया जा रहा है ये बताओ? क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है ना, आपको खीर पूरी पच जाएगा? हमारा हलवा पूरी कैसे पच जाएगा? सारा टीवी, सारा अखबार, सारे बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे कह रहे हैं कि बिल अच्छा है, मान जाइए। ये बताओ बिल अच्छा क्यों है जब किसान नहीं मान रहे हैं? उसको अपने हितकारी नहीं मान रहे हैं, खराब क्यों है? मैं दूंगा उसका जवाब, खराब क्यों है?
आप एक बात बताओ। अरे रुको, युवा लोग से बात करें, रुको रुको, आप ही लोगों से बात करें। प्राइवेट स्कूल आए, अरे आओ इधर आओगे तब ना भाग थोड़ी हो रही है। प्राइवेट स्कूल आए हैं, आपका क्वेश्चन क्या है? आपने ये कहा, मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग मोदी जी पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? मोदी जी राष्ट्रवादी हैं, मोदी जी भी राष्ट्रवादी जी हैं, हम भी राष्ट्रवादी हैं, लेकिन मोदी का विरोध करेगा वो राष्ट्रद्रोही कहा जाता है। कौन कह रहा है? हम वो हम मीडिया वाले कहते हैं हम मोदी का विरोध नहीं कर रहे, हम मोदी से कुछ भी करेंगे। मोदी भगवान के अवतार हैं। नहीं, कौन कहता है? साक्षात भगवान के अवतार हैं। आप एक बार बताओ, किसान क्या है? किसान क्या है बताओ आप? किसान अंदाता है नहीं है? किसान इसका पूरे देश का पेट पालते नहीं पालते बताओ आप मुझे? आप अगर मोदी जी पर भरोसा नहीं है, हमें भरोसा नहीं है। जब से वोट हमने दो क्वेश्चन करूंगा, पूछो। आप एक बात का जवाब दो, प्राइवेट स्कूल आए, सरकारी स्कूलों की हालत क्या है? प्राइवेट हॉस्पिटल आए, सरकारी अस्पतालों की हालत क्या है? प्राइवेट टेलीकॉम आ गई, BSNL की हालत क्या है? अब मोदी जी कह रहे हैं कि प्राइवेट मंडियां आएंगी तो किसानों की हालत क्या होगी? सरकारी स्कूल वाली होगी, इसलिए ये किसान यहाँ बैठा है। मोदी जी कह रहे हैं कि आप लोग मालामाल हो जाओगे। कैसे माल? हमें वो फॉर्मूला बता दो मोदी जी। नहीं नहीं, हमें अगर क्या कर लें, धमकी दे रहे हैं पावर किसान में, धमकी दे रहे मोदी जी, धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे। 60% किसान है। आप किसान हो? किसान। कितना पैसा मिलता है? 3.5 रुपए प्रति में रोज दे रहे हैं मोदी जी हमें, 2000 रुपए के हिसाब से। अरे पैसा कांग्रेस से मिला है कि नहीं? आप दे दो, आप भी आ रहे हो ना कांग्रेस से, बीजेपी से, कहाँ से आए आप ये बताओ पहले। जब पाकिस्तान वाला माल मिला है, पाकिस्तान में कितना पैसा है? उनके खुद ही कर्जे में डूबा हुआ है वो, कैसे? चाइना वाला माल मिला है, चाइना वाला। चाइना ने, मोदी ने मरवा तो दिए 40, सरकार ने मरवाए दो हमारे जवान। यार आप लोग मोदी के खिलाफ कैसे बोलते हो? 1,62,000 करोड़ भारत पे कर्जा है, मोदी बता पाट दे, यू किसान ही पाटेगा इसे। 1,62,000 आज का फिलहाल की घड़ी पे, अभी का 1,62,000 करोड़ भारत पे कर्जा है। सब कौन अफवाह फैलाता है, कहां से जानकारी? कहीं आप अफवाह नहीं है, सरकारी हर बैंक से, देश की हर बैंक से कर्जा ले रखा है उसने भाई। बिल में भंडारण का दिया, भंडारण कोई भी कितना भी कर सकता है, ये बताओ किसान भंडारण कैसा करेगा? हमारे पास में एक सवाल, आप पढ़े लिखे, सुनो मेरी सुनो, आप पढ़े लिखे हो ना, आप मान लो 10 किलो आलू उपजाओगे, अपने खाने के लिए 5 किलो रख लो, है अपने खाने के लिए 5 किलो रख लो, 5 किलो जाके बड़ी कंपनी को भेज दो। अब बड़ी कंपनी आपसे 500 रुपये किलो खरीदेगी, वो अपना 1,000 बेचेगी, तो थारे की प्रॉब्लम है, वो जो खरीदेगा वो समझे ना। किसान तो माला माल होगा, रख सकते हैं हम 5 किलो, कब तक रखेंगे? खा लेंगे 2 महीने में खा लेंगे, फिर क्या खाओगे? महंगा खाना पड़ेगा, 1,000 वाला हमें उल्टा लेना पड़ेगा, उल्टा लेना पड़ेगा 1,000 में हमें, फिर के तो 1,000 में हमें उल्टा। किसान किसान का नहीं इसमें भाई, मजदूर का भी नुकसान है। दूसरे की चिंता, दूसरे की चिंता क्यों है आपको भाई? दूसरे क्यों नहीं करेंगे भाई? देश की चिंता क्यों नहीं करेंगे? किसान है, हमारा हाथ है। आर्मी में फौजी किसका है? सेना में फौजी किसका है? किसान का। पुलिस में जवान किसका है? केंद्र शासित जितनी से बल है या किसके है? ये किसान की बेटी तो है। तो अपनी चिंता करो ना, अपनी चिंता करो। चिंता तो देश के किसान को करनी पड़ रही है, पूरे देश का ठेका ले रखा है आपने। पूरे देश का ठेका किसान के ऊपर है। मोदी जी के पास ठेका है। मोदी जी किसका खा रहे हैं? मोदी जी किसका खा रहे हैं ये बताओ, एक मिनट। मोदी जी किसका खा रहे हैं? किसान के घर से ही रोटी जाती है मोदी के लिए। अभी मोदी जी मशरूम खाते हैं, विदेश वाला खाते हैं, तभी तो उनको वोट मिलेगी, तभी तो उनको वोट मिलेगी। ये कर्जा हिंदुस्तान पे, आप लोगों को विदेश से पैसा आ रहा है? ये आंदोलन के लिए विदेश से पैसा आ रहा है कि नहीं? मोदी दे रहा है क्या इस पैसे को? अरे पैसा विदेश से आ रहा है कि नहीं तो दिखाओ तो, इस पैसे कहाँ है? हिम्मत है तो साफ साफ बोलो। आपका काम है इसको निकाल के लाना। मीडिया के पास कितना पैसा है ये बताओ आप? अगर मीडिया पे जांच बैठ जाए कितना पैसा निकलेगा? इसको जांच पे बैठा दिया जाए तो एक पत्रकार छोटे से एकदम जो है वहां जा बैठा, 500 करोड़ रुपए तक के मालिक हो गया एक पत्रकार, उसमें जो एक बीजेपी का। कहाँ के रहने वाले भाई? मैं मेरठ जिले का हूँ। ये जूता दिखाओ इनका, ये किसान लग रहे हैं, ये कहाँ से आया इतना महंगा जूता? ये अभी पैंट भी दिखाऊंगा निकाल के भैया, एक मिनट। चटिया नहीं नहीं, नो नो, मैं किसान हूँ, और क्या दिखाना? एक मिनट अभी और दिखा रहा हूँ, अभी मैं किसान हूँ, कुर्ता है अभी, कपड़ा है, क्या है किसान है क्या है? आप दिखाओ अपने अंडरवियर कौन सा पहना आप? एक मिनट, अगर मोदी जी चाहते हैं कि देश का कर्जा उतरे, हमारी माताएं बहने
अपनी टूम ठेक रही यानी उस मंगल अपने मंगल सूत्र तक की बेचने के लिए तैयार है इस देश का कर्जा, एक मिनट में उतार के रख देंगे हम। भाई मीडिया वाले बोल रहे हैं, अच्छा बताओ, अच्छा बताओ तुम्हारी जमीन बिल लाने से मोदी जी को क्या फायदा है? फायदा उसको क्या है, उसको नुकसान क्या है ये बताओ किसे? बिल वापिस तो आप लोग का भला चाहते हैं कि आप लोग को माल, ये सूत का फंदा उतार के सोने का फंदा हमारे गले में डालना चाह रहे हैं, हमें नहीं चाहिए, ये बताओ आप। अरे भाई ये युवा लोग कहाँ गया, युवा लोग ये इधर बुलाओ, बुलाओ इधर, बुलाओ बताओ मुझे। हाँ। यहाँ पे बोलते हैं, बोला किसान यहाँ पे बैठकर रसगुल्ले खा रहे हैं। हाँ। किसान यहाँ पे बैठकर हलवे खा रहे हैं। हाँ। ये बताओ हलवे से आ रहा है कहाँ से आता है, हलवा कहाँ से आ रहा है? पाकिस्तान फंडिंग है। आप मुझे बताओ भाई, किसान दूध तैयार तो है नहीं पाकिस्तान में, अनाज तो है नहीं, पैसा आ रहा है आप लोगों को कांग्रेस, पैसा कहाँ से आ गया कांग्रेस? किसान तो खुद अंदर, हम तो कुमार, हाँ देखो हमार, हम तो मेहनत करने वाले, हम पैसा नहीं चाहते, उनके तो अपने बहुत पूरे नहीं हो रहे, वे दे देंगे पैसे नहीं किसान के, हम पैसा आ रहा बाहर से, क्या ये गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस बिल्कुल पागल है? कभी कहे खालिस्तानी है, आप लोग, आप लोग जो आप लोग गुंडाई कर रहे हैं, खट्टर को रैली नहीं करने दे रहे हैं। अरे गुंडाई नहीं, गुंडाई करेंगे, खट्टर रैली कैसे कर देगा जब हमारे खिलाफ कानून लगा, हमारे अमित शाह को चढ़ाएंगे आप लोग, अमित शाह को, अमित शाह खट्टर, सुनो तड़ीपार है वो तो, सुनो अमित शाह ने आज कह दिया कि रैली नहीं होगी, अब खट्टर को डरा इस किसान, जो भारत का किसान जो बैठा है अंदाता, ये दिल्ली घेरे हुए, इनसे बड़ा नहीं है ये पैसा, मोबाइल कहाँ से, चीन से आया, कहाँ से, चीन से आया है, क्या बात है, जब गवर्नमेंट वही तो ला रही है इसको, जब ही तो खरीद रहे हैं हम। कितना पैसा रोज मिलता है, कितना पैसा रोज मिलता है, कौन पैसा मिलता है, पैसा देने वाला है किसान, दुनिया का पेट भरने वाला है, आप पैसा की बात कर रहे हो? किसान सारे देश को खिलाता है, मिलिट्री खिलाता है, साला उसको खिलाता है, मोदी जी से दिखाना क्या, जमाने चले गए जब रानी के पेट से राजा पैदा होता था, आज वोट के डिब्बे से राजा पैदा होता है, जिस दिन चाहेंगे उस दिन उतार के बैठा देंगे। ये तो ताऊ कहे थे ईवीएम मशीन से हुआ है खेला, ईवीएम कह रहे हैं 80% तो किसान है गांव देश में, 70% गांव ही है शहर में, कोई किसी को पैसा माल नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं, हमने तो अपनी बहन का ब्याह करने के लिए हमारे बड़े बुड्ढे ने रखे था लको के भारे थे, सब कुछ अपने घर से पैसा ला रहे थे, अपने घर से लेने आ रहे थे, हमारे बड़े बुड्ढे ने रख रखे था पैसा। अच्छा बिल से क्या नुकसान हो? बिल से सारा नुकसान है, नारंगी जमदा अडानी और अंबानी और नवाब है देश के, क्या है क्या उनको, जो ये सीमा ही नहीं है कितना भंडारण करेगा, और हमारा 10 रुपए किलो तो क्या दुख है, 15 रुपए किलो गेहूँ लेकर के मोदी जी, मोदी जी प्रधानमंत्री है, जो मन में आएगा करेंगे, आप क्या कर लेंगे, क्या मोदी जी प्रधानमंत्री, सुनो मोदी का देश, मेरी बात सुनिए, मोदी जी जो कहे 5 साल है 4 साल है 2024 तक है, वो जान गए, वो जो जी में आए वो करें, जो जी में आए हम कर रहे हैं बैठ के, हम रोक रहे हैं, आप लोग राष्ट्रद्रोही हैं, कौन राष्ट्रद्रोही नहीं है, राष्ट्र के पक्ष में है हम, उनने तो देश बेच दिया, सारी चीज बेच दी, LIC कितनी बड़ी LIC वह बेच दी, तेल बेच दिया, लखनऊ हवाई अड्डा बेच दिया, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा वो बेच दिया, सारी चीज बेकार लग रहा है वो तो, तब तो ना निकले थे जब चौधरी चरण सिंह, हमें उन्हें दिखाए थे सपने, नौकरी मिलेगी 2 करोड़ नौकरी, कौन है वे 7 साल से 2 करोड़ नौकरी, हाँ मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे, ये भी मोदी जी सपना दिखाए थे, उनने गोदरा में कांड करवा के आधे हिंदू मरवा दिए, आधे मुसलमान मरवा दिए, वे भी तो हमारे भाई है मुसलमान, पैसा आप लोगों को सही में नहीं मिल रहा है कहीं से, हम तो अपनी जो बहन का लुंडी का भी, हाँ बड़े बुड्ढू ने धर रखे थे वे लेकर आ रहे हैं, हम तो पैसे, कितना पैसा, कितना पैसा मिला है, आप ऐसे प्रसन्न कर रहे हो, मुझे न्यौसी आ रही है, पैसा कहाँ से मिल रहा है, पाकिस्तान से पाकिस्तान अपने कटोरिया डोल रहा है, वो अपने को पेट भर ले, वो हमको पैसा देगा, कांग्रेस से आ रहा है, कांग्रेस तो खत्म है, जान गए कांग्रेस पैसा देगी इस देश में, सुनिए रुक भाई, इस देश में 80 करोड़ लोग 10,000 की नौकरी करते हैं, ये सरकारी आंकड़ा है, 80 करोड़ लोग 10,000 की नौकरी करते हैं, 10,000 तो आपको चिंता का है गरीबों की, अपना सोचो ना, मुकेश अंबानी एक साल के कमाते हैं 64,000 करोड़, एक साल में 64,000 करोड़ मुकेश अंबानी कमाते हैं, मुकेश अंबानी राष्ट्रवादी है, मोदी जी का दोस्त है, देश को लूटने वाला सबसे बड़ा बेहुद्दा है वो, आप लोग राष्ट्रद्रोही हैं जो मोदी जी के खिलाफ धरना दे रहे हैं, सबसे बड़ा मोदी देशद्रोही है, भारत माता की जय बोलते हैं, अरे क्यों जय है, मुसलमानों को लड़की भी मोदी देता है, मुसलमानों को मोदी लड़की देता है, नकवी को किसने दी, शाहनवाज को किसने दी, आदमी है देश का RSS वाले,
मोदी भाई सब मुसलमानों में अपना रिश्ता कर रहे हैं, कहां को मुसलमान को निकाला गया? आरएसएस के भी खिलाफ है, खिलाफ हर उस दल के खिलाफ है। सुनिए आरएसएस क्या विरोधी है? आरएसएस कोई पार्टी नहीं ना है। आरएसएस के इशारे पर सब मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी पर भरोसा ना है? कई चीज का मोदी पे भरोसा नहीं है भाई। आप लोग को कितना पैसा मिलता है रोज का? रोज का मतलब इस वो धरने को चलाने के लिए? धरना में मर्जी से आए कोई लेके आया है? नहीं नहीं, इनके बाप की है वो पाकिस्तान, मतलब हमें पाकिस्तान के भरोसे वो धरने चलाओगे हम? कितना कितना पैसा मिलता है रोज का? अरे हमारे पे इतना पैसा है, पूरे भारत को खिलाता है। हमारे पास खुद में इतनी सक्षमता है, जब हम गेहूँ पैदा करते हैं, गन्ना पैदा करते हैं। रस की खीर खाई आपने? खाई है। दूध की खीर खाई? मैं तो एक महीना से ही खा रहा हूँ। गाजर का हलवा खाया? खाया। आलू पूरी खाई? खाया। रोटी खाई? खाया। एक मिनट, ये मोदी के बाप का नहीं है, न ये अडानी के बाप का, न ये अंबानी के बाप का, न इसमें कांग्रेस। पैसा कितना मिलता है ताऊ रोज का यहाँ? सुनो, ये भाजपा की रैली नहीं है के 500 रुपए भाड़े के, एक शराब का पौवर, चार रोटी। ये भाजपा की रैली नहीं है, या ना किसी मंत्री की है, ना किसी संतरी की है। ये जो भी कुछ है सब अपने दम। पैसा कहाँ से आ रहा है? चीन से आ रहा है। चीन से आ रहा है? चीन से। चीन हमारी रिश्तेदार है, पाकिस्तान हमारा रिश्तेदार है। खिलाफ आप लोग को भड़काया जा रहा है? कौन है इस देश में आग बाढ़ दी तो मोदी जी? राहुल गांधी ने भड़का आप लोग? अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, राहुल गांधी कभी आया ही नहीं। हमें राहुल गांधी को कभी जिंदगी में साथ हो सके, इस किसान परिवार ने कांग्रेस को कभी वोट दिया ही। अच्छा मोदी, एक बार हर हर मोदी करके दिखाइए। हर हर मोदी क्यों? हर हर मोदी मतलब इस, सुनो, एक मिनट, मतलब इतने गद्दार, इतने किसान विरोधी, इतने असामाजिक तत्व, सुनो, उन्हें इस देश में खुशहाली लाया। इस बॉर्डर पे, हिंदुस्तान के दिल्ली के बॉर्डर पे 16-18-20 लाख किसान पड़े। हम कह दे हर हर मोदी, मतलब हम कह दे मोदी जी को आप ही लोगों ने। सुनो, हम चुल्लू पानी में डूब के मर सके, लेकिन हम हर हर मोदी, मतलब हमारा क्या? तो मोदी से दुश्मनी है ना? दुश्मनी किस चीज की? यही बताओगे जी? वो बड़े यही है। क्या नाम है? नितिन कद्दी। परसो की करते हो? खेती अभी फौज की तैयारी में है। अरना हुए तो मोदी जी पर भरोसा नहीं है? नहीं अब नहीं है, पहले था अब नहीं है। पहले कब था? पहले जब तक हमने कह रहे थे हम दुगनी आय कर देंगे, हम नू कर देंगे, नौकरी दे देंगे। तो अभी भी कह रहे हैं कि आप भरोसा कर लो उन पर, माला माल तो करके मर गए। 7 साल हो लिया, वो भी काश हम लोग, हमें तो मिला नहीं। हम भी कहीं तो देखिए, ये आम किसान थे जिनसे मैं बात कर रहा था। लगातार इनको बदनाम किया जा रहा है, किसी भी टेलीविजन चैनल की हैसियत नहीं है, उसके रिपोर्टर की हैसियत नहीं है, सरकार के किसी मंत्री की हैसियत नहीं है कि इनको टीवी स्टूडियो में आके बहस कर ले। इनके पास हर सवाल का जवाब है साहब, और मैं यकीन से कह रहा हूँ कि इस देश का संविधान इनको ताकत देता है कि ये किसी भी तरह के आंदोलन प्रदर्शन कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान से पैसा आ रहा है, चीन से पैसा आ रहा है, वो इनके साथ आके एक दिन गुजारे इस सर्द रातों में, तब उनको पता चलेगा कि किसानों का दर्द। इन्होंने अपने बहन की शादी के लिए जो पैसा जमा था उससे लंगर चला रहे हैं। एक भैंस, हरियाणा के किसान ने 51 लाख में भैंस बेच के लंगर चला रहा है। किसानों ने इसको जीवन मरण का सवाल बना लिया है। इस पर सवाल उठाने वाले को शर्म आनी चाहिए। मैंने सारे सवाल पूछे हैं इनसे, इन्होंने जवाब दिया है धैर्य से। अगर यही किसी पार्टी के कार्यकर्ता होते और मैं इस तरह से सवाल पूछता तो मेरा मार के मुंह फोड़ दिए रहते, मेरा चेहरा लाल कर दिए रहते। लेकिन ये किसान हैं, ये सबसे प्यार करते हैं, अपनी धरती से प्यार करते हैं, अपने काम से प्यार करते हैं, और हम सब के घरों में इनका खाना पहुँचता है। अभी भी सरकार के पास मौका है, इनके साथ छल न करे, इनको कोर्ट कचहरी में ना फंसाए और बिल वापस ले ताकि ये अपने घर लौट सकें। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप किसानों के साथ हैं या किसानों के खिलाफ हैं? जो लोग टेलीविजन चैनल में बैठ के बड़ी बड़ी बहसें करते हैं, उनसे एक बार वो आके यहाँ बात तो करें किसानों से। किसानों के पास हर सवाल का जवाब है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।